नमस्कार, एसटीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का आज 73वां जन्मदिन है। 73वां जन्मदिन को गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवगछिया के जदयू कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। उन्होंने नवगछिया पूरे जिला को जल्द ही पूर्ण जिला का दर्जा देने की बात कही। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले इस बार कोरोना की वजह से न होने की संभावना। बिहार में व्यापक पैमाने पर पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का आज 73वां जन्मदिन है। इस अवसर पर विरोधियों ने उन्हें पोस्टर के माध्यम से घेरते हुए उनकी 73 संपत्तियों का विवरण दिया है। कई जगह यह पोस्टर खास आरजेडी के उस पोस्टर के बगल में लगाए गए हैं जिनमें लालू को महानायक बताया गया है। पटना की सड़कों पर लगाए गए इन पोस्टरों की सुबह से ही चर्चा है। बिहार में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार को बिहार में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 243 नए केस सामने आए, जो कि अब तक के एक दिन में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इससे पहले बिहार में 31 मई को एक दिन में 242 नए मरीजों को कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच अब तक राज्य में संक्रमितों की संख्या 5,698 हो गई है, जिसमें से 2,934 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने घर चले गए और 35 मरीजों की इस वायरस संक्रमण से मौत हो चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवगछिया के सक्रिय जदयू कार्यकर्ताओं से बात की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, नवगछिया पुलिस जिला को जल्द ही पूर्ण जिला का दर्जा दिया जाएगा। यह जानकारी देते हुए नवगछिया के जदयू जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री से जुड़कर जदयू कार्यकर्ताओं ने उनकी बातों को सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 साल भय बनाम 15 साल भरोसे की लड़ाई है। आम जनता के बीच 15 साल के जंगल राज और उसके बाद 15 साल के विकास कार्यों को पहुंचाने का काम करें। नवगछिया क्षेत्र में भी हमने बहुत सारे काम किए हैं। बहुत जल्द नवगछिया को राजस्व जिला का दर्जा दिया जाएगा। विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4-लेन पुल का कार्य भी जल्द शुरू होगा। सीएम ने कहा कि कोरोना के खिलाफ हमने मजबूती से लड़ाई लड़ी। बिहार की जनता ने भरपूर साथ दिया है। बिहार के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। कोरोना से अभी और सतर्क रहने की जरूरत है। खबरें रांची से। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बुधवार देर शाम पहुंचे रांची। चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता और रिम्स में इलाजरत अपने पिता और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के 73वें जन्मदिन पर मुलाकात कर जन्मदिन की देंगे शुभकामनाएं। गरीब सम्मान दिवस के तौर पर लालू प्रसाद का जन्मदिन इस बार मनाया जाएगा। साथ ही बीजेपी द्वारा देशभर में 73,000 एलईडी के माध्यम से किए जा रहे वर्चुअल रैली पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यदि इस पर खर्च किए गए 175 करोड़ भूखे गरीबों पर किया जाता तो इस कोरोना काल में गरीबों का कुछ भला होता। साथ ही कहा कि लालू जी हमेशा से कहते हैं कि डाटा से ज़्यादा गरीबों को आटा की ज़रूरत है। आज लालू यादव का 73वां जन्मदिन के अवसर पर लालू यादव के समर्थक और पटना के सचिवालय थाना क्षेत्र के 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी के आवास पहुंचे। अलग अलग रंग और अलग अलग अंदाज में नजर आए लालू के समर्थक। किसी ने अपने शरीर को पेंट कराया तो कोई लालटेन लेकर पहुंचे। गरीब सम्मान दिवस के तौर पे आदरणीय लालू जी का जो जन्मदिन वो हम मनाएंगे। और आप जानते हैं जिस विपरीत स्थिति में हमारा देश गुजर रहा है, खासतौर पे सबसे ज़्यादा जो मरमाहत है वो गरीब मजदूर है और काफ़ी लोगों की बहुत मौतें भी हो गई हैं भूख के वजह से। तो इस बार का हम लोगों ने निर्णय लिया है कि केक काट के अगर केक कटेगा भी तो गरीब में बटेगा और उनको जो है खाना खिलाने की। और लगातार हम लोग भी गरीबों को लेकर के लालू रसोई पहले से भी चलता रहा, तो एक गरीबों के सम्मान के लिए ये जन्मदिन जो है हम लोग मनाएंगे। हालांकि इससे पहले हम लोग जो है
लालू जी के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान किया करते थे, बिहार में हो नौ जिले में रक्तदान करते थे, लेकिन इस बार विशेष तौर पे जो गरीब जो भूखे हैं उनको हम लोग जो है खाना खिलाएंगे। और जो लड़ाई है भूख से या गरीबी से, सब लोग उनके साथ रह के संघर्ष करेंगे। आपसी सद्भाव एवं भाईचारे की मिसाल पेश करने वाला विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले पर इस बार कोरोना की काली नज़र पड़ गई है। श्रावणी मेला हर वर्ष बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराता रहा है, सभी स्थिति समान होने की राह देख रहे हैं। श्रावणी मेला सोमवार 6 जुलाई से शुरू होने वाला है। बिहार में व्यापक पैमाने पर पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है। इस बाबत बुधवार की देर शाम बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 311 पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस मुख्यालय ने बुधवार को 172 दरोगा सहित 311 पुलिसकर्मियों के विभिन्न जिलों में तबादले कर दिए हैं। जिन पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है वह सेवानिवृत्ति के करीब है। सेवानिवृत्ति निकटता के आधार पर करीब 350 पुलिस पदाधिकारियों और सिपाहियों ने अपनी पसंद की जगह तैनाती के लिए आवेदन किया था। इस पर निर्णय लेने के लिए 3 जून को केंद्रीय स्थापना समिति की बैठक हुई थी। कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों के साथ ही प्रशासन की सख्ती फिर से बढ़ने लगी है। कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़ रही है। पटना के 38 इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इन इलाकों में अनलॉक 1 या उससे पहले मिली हर तरह की छूट को वापस ले लिया गया है। जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि सभी जोन में प्रशासन और पुलिस के पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है। जिन इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है वे अंतिम पॉजिटिव केस मिलने की तिथि के 28 दिन बाद मुक्त हो जाएंगे। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। लड़खड़ा रहे थे कदम, कर्ज में आ गए थे हम, छा रहे थे गम के बादल, तब भी हारे कहो थे हम। फिर सोना गोल्ड ने किया चमत्कार, इस मुर्गी दाने से खूब बढ़ा व्यापार। अब नहीं है मुश्किल, जीना हुआ आसान, बढ़ रही है समृद्धि और बढ़ा मान सम्मान, और बढ़ा मान सम्मान। सोना गोल्ड मुर्गी दाना, जो प्रोटीन कैल्शियम विटामिन एनर्जी से भरपूर, यह स्टीम पद्धति से तैयार किया जाता है। इस मुर्गी दाने को खिलाने से चूजों में तेजी से वृद्धि होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है, साथ ही FCR भी कम होता है। तो आज ही अपनाएं सोना गोल्ड मुर्गी दाना। सोना गोल्ड मुर्गी दाना का है वादा, कम रहे FCR, मीट और अंडे दे ज्यादा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में प्राइमरी स्कूल के बाद अब मिडिल स्कूलों में बम्पर बहाली आने वाली है। सरकार जल्द ही मिडिल स्कूलों में 34,000 शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। शिक्षा विभाग की ओर से इसके लिए सारी तैयारी कर ली गई है। बता दें कि पिछले सप्ताह ही सरकार ने बिहार में 94,000 प्राइमरी शिक्षकों की बहाली की घोषणा की थी। इसके लिए 15 जून से आवेदन भी मांगा गया है और अगस्त में बहाली प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। कोरोना वायरस की महामारी के बीच बिहार में अब चुनावी सियासत भी अपने पूरे रंग में दिखाई दे रही है। पक्ष विपक्ष की आपसी बयानबाजी और शब्दों के तीर छूटने लगे। हालांकि सियासी बयानबाजी से दूर रहने वाले और आमतौर पर अपने ऊपर लगने वाले आरोपों को लेकर शांत रहने वाले बिहार के CM नीतीश कुमार भी अब चल रहे सियासी संग्राम में कूद पड़े हैं। नीतीश ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के उस आरोप का करारा जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार को नसीहत देते हुए घर से निकलकर अपने पीछे चलने को कहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने अंदाज में तीखा जवाब देते हुए तेजस्वी का नाम लिए बिना कहा,
हमको कहता है बाहर नहीं निकले हैं, लॉकडाउन लागू है, पूरे देश में कहा जा रहा है कि नहीं निकलना है, प्रतिदिन एक एक चीज़ की समीक्षा सारा काम कर रहे हैं, खुद कहाँ रहता है भाग करके इसका कोई ठिकाना नहीं, पार्टी के लोगों को भी पता नहीं। विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर अब तक एनडीए के घटक दलों में सब कुछ ठीक चलता हुआ नजर आ रहा है, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा यह मसला भी हल हो गया है, मगर असल फेर विधानसभा की उन 49 सीटों का है जहां पिछले चुनाव में भाजपा और जदयू एक दूसरे को पराजित कर जीते थे। 24 सीटों पर भाजपा जीती थी तो दूसरे नंबर पर जदयू था। इसी तरह भाजपा उन 25 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी जहां जदयू की जीत हुई थी। लोकसभा चुनाव में दोनों दलों ने जिस तरह से सीटों का विवाद सुलझाया उससे उम्मीद की जा रही है कि विधानसभा चुनाव में भी कोई सम्मानजनक रास्ता निकल जाएगा। सूत्रों ने बताया कि दोनों दलों की प्रारंभिक बातचीत में इन सीटों का जिक्र हो रहा है, लेकिन तब पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे दोनों दलों के अधिसंख्य उम्मीदवारों के बागी बनने की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता है। खबर है कि राजद इन क्षेत्रों में बेहतर संभावना वाले उम्मीदवारों की तलाश करने लगा है। पूरे देश में कोरोना महामारी का संकट अब और गहराता जा रहा है। कोरोना के प्रसार के लिए जिम्मेदार चीन पर एक्शन की मांग दुनिया भर के देश कर रहे हैं, तो वहीं इस बीच बिहार के बेतिया से हैरान करने वाली एक खबर आई है। बेतिया के एक अधिवक्ता सह याचिकाकर्ता मुराद अली ने बेतिया के सीजीएम कोर्ट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और WHO के DG सहित कुछ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इन सब पर आरोप है कि इन्होंने मिलकर पूरे विश्व में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को फैलाया है। मुराद अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप को बनाया है गवाह। मुराद अली ने कहा है कि साक्ष्य के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में चल रही खबरें और कई डॉक्यूमेंट्स को आधार बनाया गया है। वहीं गवाह के रूप में मुराद अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम दिया है। अली द्वारा दायर याचिका पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 18 जून का समय दिया है। जाने माने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को राज्य सरकार ने बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पंकज मूल रूप से बिहार के ही निवासी हैं। राज्य सरकार के ब्रांड एम्बेसडर बनने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकारते हुए श्री त्रिपाठी ने उद्योग मंत्री श्याम रजक का आभार जताया है। उद्योग मंत्री श्याम रजक ने कहा है कि बिहार खादी के प्रचार प्रसार के काम को अब और गति मिलेगी। बिहार की खादी देश में खास मानी जाती है, मगर ब्रांडिंग, नई तकनीक और बाजार से सीधे जुड़ाव न होने के कारण यह पिछड़ती रही। अब राज्य सरकार इस पर पूरा फोकस कर रही है। देश का सबसे बड़ा खादी मॉल पटना में स्थापित किया गया है। इसमें राज्य की दर्जनों खादी संस्थानों की ओर से तैयार सामान की बिक्री की जा रही है। लॉकडाउन के चलते इसे बंद कर दिया गया था, मगर अब इसे फिर खोल दिया गया है। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड ने उत्पादन और बिक्री में वृद्धि के लिए सभी खादी संस्थानों को नए डिजाइन के खादी वस्त्र तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उद्योग मंत्री ने कहा है कि देश भर में प्रसिद्ध राज्य की मधुबनी खादी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अभिनेता पंकज त्रिपाठी बिहार खादी और देश के सबसे बड़े खादी मॉल का प्रचार प्रसार करेंगे। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस बात की जानकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने बिहार विधानसभा की 243 में से 32 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। AIMIM ने यह भी कहा है कि वह समान विचारधारा वाली पार्टी से गठबंधन करने को तैयार है। पटना जक्कनपुर थाना अंतर्गत करभिगैया के CID गली के एक मकान में लाश मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद जक्कनपुर थाना से प्रशिक्षक DSP राजेश कुमार, जक्कनपुर थानाध्यक्ष मुकेश वर्मा, ASI अनिल कुमार सिंह अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद गेट तोड़ा गया तो फिर देखा गया एक व्यक्ति जिसका नाम रमेश कुमार, उम्र 55 वर्ष, गमछा के फंदा में लटका हुआ है, के बाद जांच पड़ताल में जुट गए पुलिस अधिकारी। और हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला, हम अपने पूरे पुलिस पार्टी के साथ मौके वारदात पे पहुंचे। वहां मकान मालिक ने बताया कि भाई मॉर्निंग मतलब इन लोगों मतलब एक लाश
जो एक आदमी ने फांसी लगा लिया है, फिर हम लोगों ने उसको तोड़ के देखा तो वो वहाँ पे एक डिसेबल्ड का एक सर्टिफिकेट था। हम लोगों ने देखा, फिर वो रमेश कुमार करके था, रमेश कुमार मलिक। वैसे अभी असर्टेड नहीं हो पाया है कि एग्जैक्ट नेम कहाँ का है, वैसे मसौरी का रहने वाला है वो। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। बेबस होकर देख रहा पर था ना कोई सहारा, हर सुख सुविधा की चाहत में मन था बेचैन हमारा। अचानक बदल गए दिन, सोना गोल्ड ने दिया जब साथ, रोग मुक्त हुआ पशुधन और बरसे दूध की अमृत धार। पोषक तत्व से भरा है ये, पशुओं का है संतुलित आहार, परिवार में आई खुशहाली, सुख से भर गया घर संसार। चाहिए गाढ़ा दूध तो भैया, सोना गोल्ड ही लाना, बेहिचक बेफिक्र होकर सोना गोल्ड अपनाना, सोना गोल्ड अपनाना। सोना गोल्ड पशु आहार का वादा, तंदुरुस्त रहे पशु और दूध दे ज्यादा। सोना गोल्ड खिलाओ खूब कमाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर वैशाली से है, आम के फल से पेड़ लदे हुए तो हैं लेकिन पैकार के नहीं आने से किसान परेशान है। किसान का कहना है कि बीते समय का लॉकडाउन इन पर भारी पड़ा है, नफा तो दूर है ही लेकिन नुकसान की भरपाई किसान कैसे करे यह सूझ नहीं रहा, यानी दोहरा बार। फलों का राजा आम को कहा जाता है लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण की चपेट में आम राजा से जुड़े कारोबारी भी आर्थिक सहायता की पाट जोड़ रहे। इस बार आम तो हम लोग बहुत उम्मीद करके किने थे लेकिन कोरोना वायरस के लेकर भारी नुकसान पहुंच रही है, बाहर मार्केट में कोई उम्मीद से नहीं बिक रहा है। अच्छा, जो कि बहुत बड़ा नुकसान हो। तो क्या आपको लग रहा है कि पूंजी आपका ऊपर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? कम से कम पूंजी 50% नुकसान जाएगा। सर लॉकडाउन जो है ना, इसी वजह से थोड़ा देखिए पूंजी आ जाए तो बहुत अच्छा है। अच्छा, तो ये माल आप कहाँ भेजते हैं? भेजते हैं पटना भेजते हैं। तो आपको मतलब इसमें कितना मुनाफा होने वाला है, क्या नफा नुकसान कुछ बताइए ना इसके विषय में। कई बार तो भेजे माल लेकिन पूंजी भी अभी तक नहीं ऊपर हुआ है। कहीं ना कहीं कोरोना वायरस का असर यहाँ भी देखा गया है। खासकर वैशाली जिले आम के लिए बहुत मशहूर है, यहाँ पर मालदा, सिपिया, दशहरी, सुकुल, जर्दा अनेकों तरह के आम मिलते हैं, मगर व्यापारी से बात करने के बाद उनके चेहरे पर भी उदासी देखने को मिला है। ब्यूरो रिपोर्टर राणा रंजीत सिंह, SDF न्यूज, हाजीपुर वैशाली। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के 73वें जन्मदिन के मौके पर लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव पहुंचे पटना सिटी के शक्तिपीठ छोटी पटन देवी मंदिर, जहां वो अपने पिता लालू यादव की मंगल कामना करते हुए पूजा पाठ की। वहीं 73 दीपक प्रज्वलित कर की महाआरती। बता दें कि लालू यादव के 73वां जन्मदिन के मौके पर राजद पार्टी द्वारा गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, जहां पूरे बिहार में लगभग 72,000 गरीबों को भोजन कराया जा रहा है। आने वाला समय बिहार विधानसभा चुनाव का है, उसी को देखते हुए भाजपा ने मेगा कैंपेन की शुरुआत आज से कर दी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पत्र, जिसमें भाजपा शासनकाल में किए गए कार्य को दर्शाया गया है, उसी पत्र को बिहार में करीब 1 करोड़ लोगों को घर घर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। आज उसी पत्र को भाजपा एवं पटना साहिब के विधायक एवं पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने खाजी कला स्थित अपने आवास के पास ही लोगों के घर घर पहुंचाया और साथ ही लोगों को मास्क भी बांटे।
साथ ही उन्होंने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री जी का जो पत्र है उसी को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज यह कैंपेन शुरू किया गया है। पटना सिटी के मेहंदीगंज थाना को स्थानीय लोगों ने किया घेराव। मौके पर सिटी ASP सहित कई थानाध्यक्ष मौजूद। पिछले दिनों निरंजन यादव के हुए हत्या के आरोप में रोहित महतो को गिरफ्तार किया गया था, जिसे लेकर रोहित महतो के परिजन समेत स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव कर मुर्दाबाद के नारे लगाए और निर्दोष रोहित महतो को रिहाई की मांग कर रहे हैं। वहीं पटना पुलिस विरोध कर रहे लोगों को समझाने बुझाने में जुटी हुई है। वहीं परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि झूठे आरोप में रोहित महतो को फंसाया जा रहा है और परिजन जल्द से जल्द रोहित महतो को रिहाई करने की मांग कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के कारण अधिकतर ऑफिस या प्रोडक्शन हाउस बंद रहा। लॉकडाउन के इस दौर में क्या कुछ असर पड़ा इस व्यवसाय पर, आइए जानते हैं 7-Even के डायरेक्टर अमितेश परसुल से। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं STF न्यूज। STF न्यूज के इस खास कार्यक्रम मुलाकात में आज हमारे साथ 7-Even के डायरेक्टर अमितेश जी हैं। अमितेश जी से जानेंगे लॉकडाउन के दौरान उनका प्रोडक्शन हाउस का हालचाल कैसा रहा, कैसा काम चल रहा है, कोरोना काल में चुनाव को लेके उनकी तैयारी कैसे है। सरकार के चूंकि ज़्यादातर योजनाओं का काम या सरकार के विभाग का काम वो करते हैं, तो उसको लेके सरकारी विभाग में काम चल रहा है या नहीं, इसको लेके उनसे आज हमारी खास मुलाकात है। सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू SDF चैनल को धन्यवाद है। हम जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन के दौरान आपके प्रोडक्शन हाउस का क्या कैसा रवैया रहा, उसके बारे में थोड़ा। लॉकडाउन में कम्प्लीटली जो भी हम लोग का बैकिंग का काम था, जो भी काम बचा हुआ था, हमने उसे पूरा किया। 2-3 प्रोजेक्ट थे और लेकिन कम्प्लीटली अभी कोई भी नया काम नहीं मिला है और ये बहुत ही इस पैंडेमिक सिचुएशन में एक रिसेशन टाइप का आ गया। आपके पास काम नहीं है और आपका एक जो सेटअप अमाउंट है महीने का वो आपको निकल रहा है और निकलना ही है वो चीज़। तो कंप्लीट अभी मतलब समझे कि इस कोरोना महामारी के चलते जो है काम एकदम एक तरीके से एकदम ठप पड़ गया है और अभी हमको नहीं लगता है कि किसी प्रोडक्शन में, चूँकि हम लोग गवर्नमेंट के लिए और NGO के लिए काम करते हैं तो उनके पास भी इतने फंड नहीं है कि जो पहले जैसे काम चलता था या पहले जो इजी वे में लोग पैसा निकालते थे वो काम करवाते थे, किसी प्रोडक्ट का ऐड बनवाना या फिर कोई गवर्नमेंट किसी चीज़ का ऐड बनवाती थी या फिर सरकारी योजनाओं का जो डॉक्यूमेंट्री या फिल्म बनता था। तो अभी नहीं लगता है कि इतनी आसानी से चीज़ें फिर से पटरी पे आ पाएंगी, क्योंकि किसी के पास वो एक आमदनी का जो जरिया है वो बंद हो गया है और अभी कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। मार्केट में पैसा नहीं है, रिसेशन टाइप का एक माहौल या कहीं की रिसेशन आ चुका है। चुनाव को लेकर जैसा आप बता रहे हैं कि सरकार की नीतियां क्या है, कैसे इस बार चुनाव होंगे, अगर होंगे तो चुनाव आयोग की तरफ से क्या तैयारी चल रही है, उसमें आपकी भूमिका क्या होगी सरकार के लिए, इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, हम लोग तो ऐसे एक सरकार से जुड़े हुए हैं लेकिन एक कंपनी के थ्रू जुड़े हुए हैं, मतलब हमारी कंपनी है जो सरकारी फिल्मों को बनाती है। और चुनाव जो है पूरी तरीके से एक तरीके से समझे कि इस बार का जो चुनाव वो डिजिटल होने जा रहा है। मतलब आप इसका देखे भी होंगे, अमित शाह ने जो इस रैली किया है, जो बिहार जनसंवाद करके जो रैली की जिसमें इतने लोग जुड़े, तो इसका आगाज हो चुका है और सारी पार्टियां, ये सारे कैंडिडेट जिनको डिजिटल आता भी नहीं है या फिर जो फेसबुक या यूज़र नहीं है, ट्विटर यूज़र नहीं है, जो यूट्यूब नहीं यूज़ करते हैं या फिर जो भी सोशल प्लेटफॉर्म पर नहीं है, उनकी भी मजबूरी कि उन्हें ट्रेनिंग लेके या उन्हें आदमी को रखना पड़ेगा उस तरीके के प्रोफेशनल लोगों को, और उनको ये करके इस क्षेत्र में आना पड़ेगा क्योंकि चुनाव पूरी तरीके से डिजिटल हो गया। आप अभी हमको नहीं लगता कि जब बिहार चुनाव का जब बिगुल बजेगा तो 6 महीना के बाद वो चुनाव हो जाता है, जब उसका अमेंडमेंट आता है तो अचानक से तो सभा करने में हो सकता है नहीं मिले, ज़्यादातर चांस है कि आप एक जगह से सभा नहीं कर सकते, जहाँ जो पहले जो रैलियाँ होती थी प्रधानमंत्री मोदी की या फिर कोई बड़े बहुत बड़े नेता का, अमित शाह के नेता की, कम से कम 1-1.5 लाख भीड़ आ जाते थे, ये तो वो अब बड़ी मुश्किल हो गई है, उतना हो नहीं सकता, रैली मान सकता है। तो लोग जो भी कैंडिडेट हैं या जो भी हम अगर हम एज ए वोटर हैं तो हम अपने
किस तरीके से अपने कैंडिडेट को चुनेंगे, तो वो सोशल मीडिया के थ्रू टोटल हो जाएगा संवाद। तो इस बार का जो जनसंवाद है वो टेक्निकल होने जा रहा है। आप सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 70-80% रोल जो है वो सोशल मीडिया का ही होगा। अब डोर टू डोर कोई जाके चुनावी कैंपेन कर रहा है तो वो एक चीज़ अलग है, वही एक चीज़ बच भी जाता है कि आप डोर टू डोर जाके कम लोगों के साथ कर सकते हैं, क्योंकि इस कोरोना में तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना, और सोशल डिस्टेंसिंग सोशल मीडिया का यूज करके काफ़ी अच्छे से किया जा सकता है। तो चुनाव पूरी तरीके से, मतलब इस बार का चुनाव जो है एक तरीके से कम्प्लीटली 100% वो डिजिटल होने जा रहा है। लोग उसी तरह से जो पार्टियाँ या फिर मजबूती से अपने बातों को रखेगी, अपने मुद्दों को उठाएगी, लोगों तक पहुँचेगी, वोटरों तक पहुँचेगी, मेरे ख्याल से वही पार्टी इस बार बिहार में बाजी मार ले जाएगी। अच्छा ठीक है, ये तो पार्टियों की बात है, लेकिन अगर डिजिटल तरीके से होंगे तो हमारे बहुत से टेक्निकल हैंड उसमें यूज होंगे, जैसा कि आप अभी बताए कि रिसेशन जो आ गया है तो वो तो कम से कम खत्म होगा और हम लोग के लिए एक अच्छा मौका पैदा करेगा। देखिए ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि चुनाव जो है वो कोई परमानेंट रोजगार तो है नहीं है, 5 साल के बाद आता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे टेक्निकल प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ लोग, थोड़ा बहुत ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लेकिन वो अगर टेक्निकल प्रोफेशनल हैंड्स हैं तो वो हाथ पाँव मार सकते हैं, शायद उन्हें काम मिल जाए, और मिलेगा भी चूँकि इसकी ज़रूरत है, और बिहार में टेक्निकल प्रोफेशनल्स की कमी भी है। लेकिन अभी लॉकडाउन में बहुत सारे लोग लौटे भी हैं, और एक चीज़ और, इसमें जो इतने सारे जो लगभग 30-25 लाख जो प्रवासी मजदूर आए हैं या फिर जो लोग भी आए हैं, उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका इस बार चुनाव में रहेगी, और सारी पार्टियां उनको लुभाने के पीछे लगी हुई हैं। बहुत सुंदर, एक खास मुलाकात में एक चीज़ तो क्लियर हो गया है कि इस बार चुनाव पूरी तरह से डिजिटल तरीके से होगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करना होगा, सोशल मीडिया का यूज करना होगा, और बहुत अच्छे तरीके से ये समझना होगा कि कैसे सोशल मीडिया को यूज करके हम अपने वोटर, हम अपने जनता तक संदेश को पहुंचा सके। धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए SDF News। नमस्कार।